मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है और टाइम हो गया, अभी 10 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया है, तो ब्लॉग एडिट कर रहा था उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मैंने, तो और शुरू कर लिया है। देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा रहेगा। तो अभी था मैं घर पर और अब जाऊँगा सीधा मार्केट, कुछ सामान लेके आना है, फिर आपसे मिलूँगा। तो अभी 10 बजे हैं, अब जाऊँगा, देखते हैं कब मिलते हैं आपसे, मिलते हैं बाद में। अभी ब्लॉग शुरू कर दिया है और अभी मैं गया था बाज़ार, तो वो सामान लेके आया था और ब्लॉग शुरू कर लिया है। और टाइम हो गया अभी 11 बज चुके हैं, तो यही टाइम होता है बस, इस टाइम में मैं जाता हूँ बाज़ार, तो आके कंटिन्यू कर दिया है। और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा रहेगा, जैसे होगा आपसे शेयर करता रहूँगा। और आज शाम को कहीं जाऊँगा मैं, तो आपके साथ दूध लेके जाऊँगा, तो कहीं का प्रोग्राम है और जागरण है, तो वहाँ पर जाऊँगा शाम को, और अच्छी लोकेशन मिली तो थोड़ा सा शूट करूँगा। तो जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। देखते हैं, भजनक वगैरह का कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो लोग अपना डिलीट ना हो, तो देखते हैं म्यूट करके डाल दूँगा थोड़ा सा, तो डालूँगा ज़रूर। शाम को जाऊँगा और जैसा भी जाऊँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी था घर पे और देखते हैं लोग कैसा रहेगा, तो मैं शाम को 7 बजे बाद में जाऊँगा, तो जैसा भी होगा अपडेट आपको देता रहूँगा। अभी था घर पर, अभी आया था मैं, थोड़ा सा काम करूँगा फिर सो जाऊँगा, और मिलते हैं बाद में फिर। अभी तो 11 बजे, देखते हैं कैसा मिलूँगा। तो ये अपडेट देनी ज़रूरी थी आपको, तो एक अपडेट और देनी थी आपको कि मेरे इंस्टाग्राम पर 1K के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो 1K फॉलोअर पूरे हो चुके हैं, तो फिर आप चेकआउट कर सकते हैं, अनिल कुमार बरोड़ उस सर्च कर लेना, तो नीचे मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, पट्टी आएगी उसमें नाम लिखा होगा ID, तो उसे सर्च मार सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो 1K फॉलोअर पूरे हो चुके हैं, ऊपर चल रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं बाद में फिर, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं। गाइस, अभी बैठा था अंदर कमरे में, और टाइम की बात करें तो 12:30 हो चुके हैं, तो ज़्यादा अब तो सुबह पैसे रुपये लिखी है, कुछ ज़्यादा किया नहीं है। तो ये चश्मे मेरे को बदलानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में ले ली, तो ये यहाँ पे गेप पड़ा है और यहाँ से टच कर रही है, इसको मेरे को चेंज कराना पड़ेगा। तो चश्मा तो यहीं रखूँगा, देखते हैं कैसी मिलेगी। ये यहाँ पे टच करती है, इसका बदन यहाँ पे आता है चश्मा का, तो यहाँ से इसका स्पेस पड़ा है पूरा, तो पूरी नाक पे टिक नहीं पाती, तो ये अजीब सा लग रहा है। तो मैं दिखा के आया था, वो कह रहे प्रेम बदल देंगे, तो कुछ नए प्रेम दिखा के देंगे, तो देखते हैं, जब टाइम दिया 2-4 दिनों का फिर पता करेंगे। तो ये चश्मा तो सही है, ये तो इसका चश्मे का बदन यहाँ पे आ रहा है इसमें, यहाँ पे तो इसको चेंज करा लूँगा। और शाम को प्रोग्राम है किसी घर पे, तो बाहर गांव में है, तो मैं जाऊंगा, तो थोड़ा सा जैसा योगा रास्ते में थोड़ा सा या जागरण में कुछ, वैसे तो कॉपीराइट का डर रहता है मेरे को पता है, और गाने वगैरह चलेंगे ना भजन वगैरह में कॉपीराइट का डर रहता है, तो जैसे ही अच्छा पार्ट होगा म्यूट कर दूँगा उसको, और म्यूट करके कोई वैसे डाल दूँगा तो अच्छा लगेगा, उसे कॉपीराइट आने का डर नहीं रहेगा। जैसे भी होगा शेयर करता रहूँगा, और जैसे झांकी वगैरह होगी, कुछ और होगा, कलाकार होगा, कुछ सभी आपको शेयर करूँगा आपके साथ। अभी तो थोड़ा सा ऐसे बोल दिया बस, अब मैं सोने जा रहा था, मैं थोड़ा सा बोल देते हैं, तो आपको मैं नींद है मेरे, तो सोऊंगा हिसाब से। अभी उठ गया हूँ मैं और चाय पानी पी लिया है, और टाइम हो गया अभी 3 बज चुके हैं, तो उठा था, चाय पानी पिया था और थोड़ा सा काम किया लैपटॉप पर, और उसके बाद में ब्लॉग चालू किया है, और आज का ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने, और शाम को इंटरेस्ट आएगा ब्लॉग में, अभी तो घर का ही है। जैसे ही होगा आपको शेयर करता रहूँगा, और देखते हैं कैसा रहेगा ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग आप कल देखोगे तो लेट आएगा, तो शाम को वहाँ से लेट आएंगे ना, फिर एडिटिंग तो कल ही होगी, तो सुबह तक आ जाएगा 10-11 बजे तक, इतना लेट ही आएगा, तो 10-11 बजे के बीच में आ जाएगा, लेट आएगा शाम को। और देखते हैं कितने बजे तक मैं वहाँ से वापस आता हूँ, जल्दी आए तो जल्दी एडिट करूँगा, तो लेट हो गया तो फिर सुबह करूँगा, तो लेट ही अपलोड करूँगा, तो आपको सुबह लेट देखने को मिलेगा ये ब्लॉग। और अभी तो घर पर ही हूँ, ज़्यादा है नहीं, जैसे भी होगा आपको अपडेट देता रहूँगा, मिलते हैं माने फिर अच्छे। अभी उठ गया हूँ मैं और चाय पानी पी लिया है, और टाइम हो गया अभी 3 बज चुके हैं, तो उठा था, चाय पानी पिया था, और थोड़ा सा
काम किया लैपटॉप पर और उसके बाद में ब्लॉग चालू किया है और आज का ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने। और शाम को इंटरेस्ट आएगा ब्लॉग में, अभी तो घर का ही है। जैसे ही होगा आपको शेयर करता रहूँगा और देखते हैं कैसा रहेगा ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग आप कल देखोगे तो लेट आएगा, तो शाम को वहाँ से लेट आएंगे ना, फिर एडिटिंग तो कल ही होगी, तो सुबह तक आ जाएगा 10-11 बजे तक, इतना लेट ही आएगा, तो 10-11 बजे तक बीच में आ जाएगा, लेट आएगा शाम को। और देखते हैं कितने बजे तक मैं वहाँ से वापस आता हूँ, जल्दी आए तो जल्दी एडिट करूँगा, तो लेट हो गया तो फिर सुबह करूँगा, तो लेट ही अपलोड करूँगा। तो आपको सुबह लेट देखने को मिलेगा ये ब्लॉग। और अभी तो घर पर ही हूँ, ज़्यादा है नहीं, जैसे भी होगा आपको अपडेट देता रहूँगा, मिलते हैं वहाँ फिर। अच्छा तो गाइज अभी नहा के रेडी हो गया हूँ और टाइम तो ज़्यादा हो गया है, 6:30, तो शाम को जाएंगे रात को, तो अभी तो नहा के मत रेडी हो गया हूँ, तो सब नहा लेंगे फिर चलेंगे आराम से। तो रात का ही प्रोग्राम है तो कुछ मेन चीज़ें शूट करूँगा जिस ब्लॉग में डाल दूँगा, तो ये ब्लॉग तो पता नहीं कब लेट आएगा, तो 10-11 बजे तक आएगा, लेट आएगा, तो शाम को पता नहीं कब आऊँगा, फिर एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, ऐसे फिर आएगा, तो लेट हो गया तो फिर सुबह ही करूँगा। जल्दी आ गया 12 बजे तक आ गया ना तो ही कर दूँगा, फिर तो जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा 2:30-3 बजे गए फिर तो लेट ही आएगा। तो मैं तो तैयार हो गया नहा के और ठंडा मौसम है, शाम हो चुकी है, तो अब जाऊँगा, देखते हैं आगे का और बढ़िया मिला तो इसमें डाल दूँगा, तो नीचे तो भाई पे मिलूँगा फिर, तो एंडिंग देखते हैं कैसे होगी आज, तो घर पे तो नहीं करूँगा वहीं करूँगा, देखते हैं कैसा रहेगा। जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और टाइम तो बता ही दिया, 6:30 हो चुके हैं, तो अभी शाम का मौसम है तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो क्वालिटी भी फिक्की हो रही है, तो कुर्ते पजामा पहन दिया मैंने आज, तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में यस लिखना, तो मिलता हूँ फिर बाद में, अभी चाय पानी पीऊँगा, फिर देखते हैं आगे का कोई दिखाऊंगा तो ठीक है ना, किसी दिन वहीं का दिखाऊंगा, तो अंधेरा तो हो ही गया समझ लो, तो मिलते हैं बाद में फिर। अभी आ गया हूँ यहाँ पे, टाइम के बाद 10 बज चुके हैं और मैं जागरण में खड़ा हूँ, और 10 बज चुके हैं, आवाज़ तो मेरी थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है आपको, और अभी मैं जागरण में खड़ा हूँ, पीछे देख रहे हो, तो पीछे आप पूरा व्यू देख सकते हो, और आवाज़ थोड़ी सुनाई दे रही है, पीछे साउंड की आवाज़ आ रही है, जैसा भी करके आपको देखते रहो, आप इन्जॉय करते रहो, और जैसे भी शूट मिलेंगे आपको देता रहूँगा, तो थोड़ा सा बढ़ाए भी बाद में डाल दूँगा उसको एडिट करके, और जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और टाइम हो जाए 10 बज चुके हैं अभी, पूरा शो आपके साथ करता रहूँगा लाइव पर शूट में, जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो 10 बज चुके हैं, जैसे भी होगा सारा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो मिलते हैं बाद में, जैसे भी होगा क्लिक करता रहूँगा। Thank you.
ले आले 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 अभी मैं आ गया हूँ घर पे और टाइम हो गया 12 बज चुके हैं। तो पहली बार मैंने 12 बजे ब्लॉग को एंड किया है। इस ब्लॉग में आपको जागरण का थोड़ा सा शो मैंने किया है, तो उसमें मैं पार्ट जो म्यूट कर दूंगा, तो साउंड दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, डर है। तो कॉपीराइट फ्री मेरे को म्यूजिक पता नहीं है, तो मैं सीधे इनको म्यूट करके डाल दूंगा, थोड़ा थोड़ा साउंड दूंगा। तो अब आ गया मैं घर पे, तो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये ब्लॉग आपको आएगा लेट, तो 10-11 बजे तक आएगा। तो मैंने ब्लॉग बना लिया है, तो मैं सोऊंगा लेट, ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो सुबह उठ के एडिट करूँगा, फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, तो लेट ही आएगा, 10-11 बजे तक आएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच, गुड नाइट दोस्तों।